गलिया ग्राम सभा में 8 साल पहले एक सड़क का निर्माण हुआ था जो अब टूट फूट गया है और क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ गलिया ग्राम सभा में करीब 150 ऐसे परिवार निवास करते हैं जो रोड के पास में रहते हैं और गांव के आने बाहर आने जाने का यही एक रास्ता है और इसी रास्ते पे एक आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रेखा देवी का कहना है कि रास्ता सही न होने के कारण गर्भवती माताएँ और धात्री माता और बच्चे ठीक प्रकार से नहीं आ पाते जिससे उन्हें पोषाहार और टीकाकरण में परेशानी होती है। मेरे केंद्र पे 30 से 40 बच्चे आते हैं रोज और बच्चों को आने में परेशानी होती है। यहाँ का सड़क खराब है, रास्ता खराब है, गड्ढे बन गए हैं सब सड़क पर, इससे बरसात में परेशानी होती है, बच्चों को आने में बहुत परेशानी होती है, बरसात में सब गड्ढे भर जाते हैं और गर्भवती धात्री आते हैं हमारे केंद्र पे, उनको भी परेशानी होती है, आम जनता के लिए भी परेशानी होती है। प्रधान से कहे, प्रधान जी क्या कहा? प्रधान जी सुने नहीं, बार बार कहे प्रधान से लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। 10 साल से पेट मटे नहीं पाए और रास्ता जो कम से कम से 150 आदमी जाते हैं, हजाई मुतई हर एक चीज, आंगनबाड़ी भी बा, वहाँ मनाई गिर बाहर आए, वहाँ गढ़ाई बा, गढ़ाई खुदान बा, रोड एकदम खराब हो गई। प्रधान जी से कहे ना आप? प्रधान जी से कहे, एक प्रधान और रहे उन्होंने कहे तो सुनते ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाने का काम करें। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वीडियो साहब के नंबर पर फ़ोन कर दबाव बनाएं, जिनका मोबाइल नंबर है 9454465123। मैं अनिल कुमार संतरदास नगर भदोही से इंडिया अनहट के लिए।